सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू यू फ्लाई जेई नीट। सो आज जो है 2018 जेई एडवांस सेक्शन सेकंड जो होता है, जिसमें 8 क्वेश्चन का सेटअप होता है, 1 क्वेश्चन का जो है 3 मार्क्स होता है, तो वो सेटअप फिलिंग या यूं कहें न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं सारे, आपको आंसर भरने पड़ेंगे। तो लेटेस्ट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है बेटे? बोल रहा है अ सॉलिड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑयल, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg इज एट रेस्ट ऑन द सरफेस एट इम्पल्स, इम्पल्स दिया है 0.1 न्यूटन पर सेकेंड इज अप्लाइड टू द ब्लॉक एट t = 0 सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद अ वेलोसिटी ऑफ vt, मतलब ये इट इज वेरिएंट विद टाइम, vt की वैल्यू दिया है। फिर बोल रहा है वेयर वी नॉट इज द कॉन्स्टेंट एंड t = 4 seconds द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, कितने समय पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इन मीटर एट t = tau पे, और e^-1 = 0.37 ये दिया है। तो कैसे अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन वो देखो। तो सर हमें पता है मोमेंट इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या पता है सर? जो जे होता है एफ इंटू डी टी इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी एम इंटू मोमेंटम की वैल्यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम होता है, या एफ इंटू डी टी बराबर जे होता है जिसको बोलते हैं इंपल्स। इंपल्स की वैल्यू दिया है, कितना दिया है 0.1। मास की वैल्यू दिया है, मास ऑफ द ब्लॉक 0.4 इंटू वेलोसिटी जो कि टाइम का वेरिएंट है, तो वी की वैल्यू आ गई आपके पास 0.1/0.4 या 0.25 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज वी टी, वी टी की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू कितनी आई है सर 0.25। वी टी बराबर आपको दिया है वी नॉट ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ, ये वैल्यू आपको पता है। अब जो ये वी टी है, इसके बारे में ये वी टी है बेसिकली, यहाँ पे वी टी की वैल्यू दिया है वी टी बराबर वी जीरो ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। अब आपको ये वैल्यू पता है कि वी नॉट पता है, सारी वैल्यू पता है, कैसे करोगे? अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करोगे सर? वी टी बराबर डी एक्स बाई डी टी लिख देंगे, डी एक्स बाई डी टी वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, या ऐसे लिख सकते हो डी एक्स बराबर वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू डी टी। इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए था यहाँ पे, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, मतलब अगर मान लो एक्स वन से चालू किया था तो समय टी बराबर जीरो पे जीरो था, और यहाँ पे एक्स टू तो यहाँ पे टाउ पे पूछ रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बहुत आसान सा है, ऐसा कोई टफ इंटीग्रेशन नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, वी नॉट तो कॉन्स्टेंट है सर, वी नॉट की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, इसका इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से लेके टाउ तक। अब ये तो आराम से कर लोगे, ई की पावर माइनस एक्स अगर होता है यहाँ पे इस तरीके से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वी नॉट इंटू टाउ वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। अब इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके टाउ तक, जीरो से लेके टाउ तक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे ही रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी बराबर वैल्यू रखेंगे, तो आपके पास जो चेंज आएगा, जो डिस्प्लेसमेंट का चेंज आएगा, यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे सारी वैल्यू पता है, वी नॉट पता है, इनिशियल सब वैल्यू पता है,
तो x की वैल्यू आएगा 6.30, ठीक, ऑल राइट। तो इस तरीके कुछ क्वेश्चन आते हैं, आपको बेसिक्स इंटीग्रेशन बहुत सारे होंगे, आपको बेसिक फिजिक्स भी होगा। तो कहने का मतलब ओवरऑल क्या है, ये जो पार्ट सेकंड होता है, सेक्शन टू जो होता है पेपर टू का फिजिक्स में, इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपका जैसे आंसर ये आया है 6.30 आंसर आया, तो एकदम एग्जैक्ट आंसर वही भरना पड़ेगा जो आया है, ठीक, सेकंड डिसिम्बल तक या थर्ड डिसिम्बल तक जो एग्जैक्ट आंसर है वही भरेंगे। यस, ऑल राइट। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर टू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखेंगे क्या लिखा है। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट द एंगल ऑफ 45 degrees विद हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है साहब, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे बनाते चलो बेटे। बेटे यहाँ से एक बॉल जो है 45 degrees से प्रोजेक्ट किया गया, इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट 120 meters। मान लो कि 120 meters यहाँ पे रीच किया, ठीक, हॉरिजॉन्टल से साहब, यहाँ पे बॉल गिर पड़ी। फिर बोला एंड रिटर्न टू द ग्राउंड अपॉन द हिटिंग द ग्राउंड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम यहाँ पे गिरा है बेटे। फिर बोला इट लूजेज हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। एक बात बोल दिया कि इट लूजेज हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि यहाँ से फिर अगर जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी शुरू में सेकंड टप्पा में वो आधी जो है लूज कर दी, मतलब जो K2 की वैल्यू है 1/2 ऑफ K1, ये इसने बोल दिया है। जो सेकंड टप्पा है इसका छोटा सा टप्पा गया, आधी काइनेटिक एनर्जी। कह रहा है इमेडिएटली आफ्टर द ब्राउन बाउंस द वेलोसिटी ऑफ द बॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 degrees विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो पहली 45 बनाया था, दूसरी बार कितना बना रहा है 30 degrees। तो ये पूछा कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मस्त मज़ा आ जाएगा, सॉल्व करोगे जेई एडवांस एकदम तगड़े से, बहुत मज़ा आएगा, मज़ा आने वाला। देखो ध्यान से, क्या पता है सर, एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g 11th 12th। देखो ध्यान से, जेई एडवांस कितना आसान क्वेश्चन दिया है, एच मैक्स दिया है 120। यस, यहाँ पे वी जीरो मान लेंगे, थोड़ा सा आसानी होगी, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट मान लेंगे, ठीक है साहब। वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू फर्स्ट 45 degrees, 45 साइन 45 की वैल्यू सर 1/√2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो यहाँ पे देखो रूट टू का स्क्वायर मतलब 2, 2, 2 जा 4, तो ये वैल्यू आ गई वी नॉट स्क्वायर बाई 4g। इसकी वैल्यू याद कर लेंगे, वो वी स्क्वायर बाई 4g की वैल्यू 120 है। अब हम आगे देखो कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखो। कह रहा है कि जो K2 है वो 1/2 ऑफ K1 था, इट लूजेज हाफ ऑफ द इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब कि आधी काइनेटिक एनर्जी क्या किया है, लूज किया है। तो इसका मतलब सर हाफ एम, अगर यहाँ से वी वेलोसिटी से उठ रहा है हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी 1/2, मास तो वही है सर, यहाँ पे क्या है वी नॉट का स्क्वायर, तो हाफ एम ने हाफ एम को मार दिया, इट लूजेस, यस 1/2 भी है और हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब सर वी और वी नॉट में रिलेशन आ गया, क्या आया सर वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई 2 या वी बराबर वी नॉट बाई 2। इसकी वेलोसिटी अगर हमने मानी है वी, इसकी वी नॉट मानी है, तो इसमें एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया। अब इसने पूछ रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेकंड बाउंस पे या फर्स्ट बाउंस के बाद क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एच मैक्स की वैल्यू सेकेंड टाइम पूछ रहा है, तरीका बिल्कुल वही, क्या सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g जैसा कि फार्मूले में पढ़ा है। अच्छा बात, सही बात भाई। सर यहाँ पे v माना है तो यहाँ हमने v स्क्वायर रख दिया, तो वैल्यू सॉल्व कर लेंगे सर v स्क्वायर
साइन 30 कितना एंगल बना रहा है 30, साइन 30 का होल स्क्वायर, साइन 30 मतलब 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 डिवाइडेड बाई 2g, डिवाइडेड बाई 2g, तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास, यस 1/2 का होल स्क्वायर वैल्यू आ गई सर v² / 8g। चलिए भाई अब सर v जो है v नॉट के टर्म्स में रख लेंगे, जो v स्क्वायर है यहाँ पे v नॉट स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं सर, तो इसको हम लिख देंगे सर v नॉट स्क्वायर बाई 16g। अब साहब इसका हम अप्लाई करेंगे v नॉट स्क्वायर बाई 4g की वैल्यू, वी नो 120, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी सर h max of फर्स्ट बाउंस, यहाँ पे जो वैल्यू है v नॉट बाई 4g की वैल्यू 120 है, तो v नॉट बाई 16g की वैल्यू कितनी होगी 120/4, आंसर इज 30 meter। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मज़ा आ गया क्वेश्चन सॉल्व करके, प्रोजेक्टाइल का सबसे अच्छा क्वेश्चन इस तरीके से अगर आता है, कभी कभी ये दे देता है कोफिशियंट ऑफ रिस्टिट्यूशन से पूछता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आसान दिया था, आप कर सकते थे, बहुत आसान था बेटा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, इट इज बेस्ड, दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी थर्मो का है लेकिन आसान है, कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ टफ नहीं था। 1 mole ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस अंडर गोइंग एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन इन विच द वॉल्यूम बिकम्स 8th times ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो अभी आप एक बात बताओ, एडियाबेटिक TV की पावर गामा -1 या टी इनिशियल वी इनिशियल बराबर गामा -1 बराबर टी फाइनल वी फाइनल गामा -1 सर, बढ़िया सर, TV की पावर गामा -1 बराबर कॉन्स्टेंट एडियाबेटिक प्रोसेस। यहाँ पे एक बात बताओ, टी फाइनल डिवाइडेड बाई टी इनिशियल बराबर वी इनिशियल अपान वी फाइनल की पावर गामा -1, वी फाइनल की वैल्यू 8 times ऑफ इनिशियल वैल्यू, ये बोला है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे बेटे वी इनिशियल अपान 8 times ऑफ VI की पावर गामा -1। अब यहाँ पे ये वैल्यू कितनी सर 1/8 की पावर गामा -1, गामा की वैल्यू मोनोएटॉमिक गैस CP/CV वैल्यू आपको पता है कितनी होती है सर 2/3 CP/CV यहाँ पे वैल्यू कर लेंगे, गामा की वैल्यू क्या आएगी। तो सर एक बात बताओ, इसका मतलब टी फाइनल अपान टी इनिशियल बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का क्यूब रूट है और 2 का स्क्वायर ये सर 1/4, 1/4। तो एक बात बताओ, टी फाइनल इज इक्वल टू टी इनिशियल डिवाइडेड बाई 4। इनिशियल टेम्परेचर वाज गिवन, इफ द इनिशियल टेम्परेचर वाज 100 केल्विन, तो वैल्यू कितनी आ गई सर 100 / 4, 25 centigrade इज द फाइनल टेम्परेचर। इट इज आस्किंग फॉर इफ द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट इज 8 joule per mole kelvin, सो डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, बहुत तगड़ा तरीके से जानते हो कि इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट mCv delta T, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 1/3/2 r, मोनोएटॉमिक गैस आपने पढ़ा होगा F/2 × r, तो सर यहाँ पे 3/2 × r डेल्टा टी नथिंग बट टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो टी फाइनल की वैल्यू 25 - 100 सर टी इनिशियल 100, तो सर 8 की वैल्यू रख दी है 3/2 × 8 × 75 माइनस में आएगा, तो इसको आंसर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 × 4 = 12, तो 900 आएगा, कितना 900 माइनस में क्यों आ रहा है सर, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी लूज कर रहा है, इस वजह से माइनस आएगा, तो करेक्ट आंसर इज 900। ये भी आसान कैटेगरी का क्वेश्चन था, ऐसे इसमें कोई टफ नहीं था, तो जो सेक्शन 2 होता है वो इजी कैटेगरी में, देखो 2 कैटेगरी आसान होती है, पहली फिलिंग दी ब्लैंक्स वाली कैटेगरी, दूसरा मैच दी फॉलोइंग वाली, तो ये दोनों जो ये
24 मार्क्स का ये और 12 मार्क्स का वो, कुल मिलाकर 36 मार्क्स का पक्का होता है पेपर टू में। ठीक, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल करेंगे, आसान है बेटे, और भी देखते हैं। सो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये भी आसान है, ऐसा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं था। देखते हैं, कंसिडर अ हाइड्रोजन लाइक आयनाइज्ड आइटम विद एटॉमिक नंबर जेड विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ दिस एटम, द फोटोन इमिटेड इन द एन इक्वल टू टू से एन इक्वल टू वन। यस ऑल राइट। तो दिस इज एन वन, दिस इज एन टू। द ट्रांजिशन एनर्जी इज 74.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज हायर देन द फोटोन इमिटेड एन बराबर थ्री से एन बराबर टू तक। ट्रांजिशन द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द वैल्यू ऑफ जेड इज। तो आप सबने सीखा है, क्या सीखा है सर? ई एन बराबर माइनस 13.6 आयनाइजेशन एनर्जी, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। सर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, अच्छी बात है। तो अगर हम ई टू माइनस ई वन निकालें, तो यहाँ पे ई टू की वैल्यू यहाँ से यहाँ जा रही, तो ई वन है ये, ई टू ये है, टू से वन में। मतलब ऐसे देखें, यहाँ पे एन वन की जो वैल्यू है वन इंटू यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से आने का मतलब ये एन वन वन है, एन वन टू है, और जिस पे जा रहा है वो सर फर्स्ट है। ठीक, तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? माइनस प्लस 13.6 जेड स्क्वायर वन बाई ई टू की वैल्यू, यहाँ पे ए टू है सर, तो वन का स्क्वायर माइनस वन बाई टू का स्क्वायर। तो वन बाई टू का स्क्वायर क्या होता है? फोर होता है, तो यहाँ डायरेक्ट मैं फोर लिख ले रहा हूँ। तो वन माइनस वन बाई फोर दैट इज थ्री बाई फोर। तो वैल्यू कितनी आ गई? 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई थ्री बाई फोर। ओके ऑल राइट। अब जो ये एनर्जी है, अब यहाँ पे तीन से लेके दो तक अगर हम एनर्जी निकाल रहे हैं, अगर सिमिलर हम ऐसे करते हैं सर, ई थ्री माइनस मतलब तीन से यहाँ से इस पे आ रहा है। ठीक, तो वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 13.6 जेड स्क्वायर E3 कहाँ पे? 1 बाई टू का स्क्वायर माइनस 1 बाई थ्री का स्क्वायर। 1 बाई टू का स्क्वायर क्या लिख सकते हो? 4 लिख सकता हूँ सर, 3 का स्क्वायर 9 लिख सकता हूँ। तो LCM ले लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13.6 जेड स्क्वायर 36, 9 चौक 36, 4 नवाइन 9, 9 चौक 36 5 बाई 36 सर। अब ये कह रहा है इसकी जो एनर्जी है ये हायर देन है, हायर देन कह रहा है द ट्रांजिशन एनर्जी 74.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज हायर देन द इमिटेड ऑफ इतना। ठीक, ओके। तो इसका मतलब सर E2 - E1, अगर ये दिस इसको वन बना लो, इसको वन बना लो, इसको टू बना लो, अगर मैं इसके बीच निकालें, ये हायर कह रहा है देन दिस वन। तो यहाँ पे क्या करोगे? माइनस करेंगे, तो वैल्यू कितनी है इसमें से और इसमें से माइनस करना है। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी आपके पास है ये हायर देन दिस वन, इसमें अगर इसमें से इसमें ये माइनस करें तो ये वैल्यू 74.8 दिया है। इसका मतलब क्या सर? 13.6 जेड स्क्वायर क्या 3/4 माइनस 5/36 इज नथिंग बट 74.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको क्या पता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। देखो, अगर ये पूरा जेड की वैल्यू सॉल्व करोगे, जेड की वैल्यू निकालें, जेड बराबर 3 आएगा, सॉल्व करके देखेंगे जेड इक्वल टू 3। बहुत आसान सा, सब कैंसिल आउट कर देना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे भी आता है, ये सब पूरा कैंसिल, फिर ये सॉल्व कर लेंगे, जेड इक्वल टू 3 आता है। तो इस तरीके से ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन था,
3 मार्क्स का जेई एडवांस में। सो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है बेटे? अ स्टील वायर ऑफ डायामीटर इज 0.5 mm एंड यंग्स मॉडुलस 2×10⁻¹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैरीज अ लोड ऑफ मास m। द लेंथ ऑफ द वायर विद लोड इज 1 meter। ओके साहब, l दिया है, d दिया है। अ वर्नियर स्केल 10 divisions इज अटैच टू द एंड ऑफ दिस वायर। द नेक्स्ट टू द स्टील वायर इज रिफर्स टू द वायर टू विच मेन स्केल डिवीजन ऑफ द लीस्ट काउंट इज 1 mm। और एक बात यहाँ बोला, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन इफ द लोड ऑफ दिस स्टील वायर इज इंक्रीज्ड बाई। कह रहा है कि वायर में जो भी पहले एम था उसमें कितना लोड इंक्रीज किया गया, 1.2 kg। तो एक बात बताओ, द वर्नियर स्केल डिवीजन विच कॉन्साइड विद मेन स्केल डिवीजन इज। ओके तो साहब डेल्टा एल चाहिए। डेल्टा एल बराबर एफ एल ओवर ए ई, एफ एल ओवर ए इंटू वाई बोल सकती हूँ। ओके सर, सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए के जगह पे पाई बाई 4, तो यहाँ पे 4 इंटू डी स्क्वायर सर इंटू यंग्स मॉडुलस। अब सारी वैल्यू रखनी है तो साहब फोर्स कितना इंक्रीज हुआ है, 1.2 केजी इंक्रीज हुआ ना बेटे। तो इसका अगर इंक्रीमेंट देखें न्यूटन में कितना आएगा सर, 12 newtons। लेंथ कितना दिया है, इनिशियल लेंथ 1 meter डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू ये बता के रखा है 3.2 इंटू डी स्क्वायर। डायामीटर दिया है 0.5 डायामीटर ऑफ स्टील वायर दिया है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर आपने पढ़ा है, तो एरिया पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ओके तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0.5×10⁻³ इसका होल स्क्वायर। ऐसे भी करेंगे, यहाँ पे माइनस 4 कर दें, इसका स्क्वायर कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं, इंटू यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस कितना है, यंग्स मॉडुलस यस 2×10⁻¹। तो यहाँ पे वैल्यू भर दें 2×10⁻¹। इससे चेंज इन लेंथ आ जाएगी, लेंथ में कितना चेंज आया। तो ये वैल्यू आप देखोगे निकाल करके, ये वैल्यू इट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.3 mm ये आएगी। ओके सर बढ़िया है। एक चीज़ बताओ, यहाँ पे एक चीज़ दिया है 10 VSD नथिंग बट 9 MSD। तो इसका मतलब वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज नथिंग बट 9/10 MSD। या आपने लीस्ट काउंट पढ़ा होगा, लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 VSD माइनस यहाँ पे वैल्यू क्या होता है, 1 लीस्ट काउंट बराबर MSD मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही लीस्ट काउंट होता है। तो सर 1 MSD ठीक है, माइनस 1 VSD को MSD में, 1 VSD बराबर 9/10 VSD MSD में ही था ये, तो वैल्यू 0.1 mm। इसका मतलब लीस्ट काउंट की वैल्यू 0.1 mm आ रही है बेटे, 0.1 mm। अब आपके पास कितना दिया है, ये वैल्यू कितना लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है, 0.3 mm सर। तो जो इसकी लीस्ट काउंट होगी वो कितने डिवीजन पे जाएगी, तो इसका मतलब कितने डिवीजन को टच करेगा, 3rd division को वो टच करेगा। तो करेक्ट आंसर इज 3। तो ये भी आसान क्वेश्चन कैटेगरी का, ऐसा नहीं ये टफ था, बहुत आसान था, कर सकते थे बेटे। तो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, एक गैलोनोमीटर पे क्वेश्चन था। कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्न इज 50, दी ईच ऑफ जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर है 2×10⁻⁴ जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है 0.02 tesla, टॉर्जनल कॉन्स्टेंट दिया था, ये गैल्वेनोमीटर का सेटअप होता है। अब आपने आप जानते हो NIAB या बीना बोलते हैं BINA, दैट इज नथिंग बट सी थीटा, दैट इज नथिंग बट
सी थीटा सर। अब यहाँ पे आई जी की वैल्यू निकालेंगे, आई जी कितना होगा। ओके तो वैल्यू कितना होगा सर, यहाँ पे जो गैल्नोमीटर में डिफ्लेक्शन जाएगा, यहाँ पे जो गैल्नोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, नंबर ऑफ टर्न कितना दिया है 50, आई जी निकालना है क्रॉस सेक्शन एरिया 2 × 10⁻⁴, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें रखा गया है 0.02, सी की वैल्यू टॉर्जनल कॉन्स्टेंट है सी थीटा, जो टॉर्क लग रहा है, वैल्यू कितना दिया है 10⁻⁴, और ये वैल्यू 0.2। यह सॉल्व राइट, यहाँ से आई जी की वैल्यू निकाल लें, आई जी बराबर क्या हो जाएगा सर 10⁻⁴ × 0.2 / 50 × 2 × 10⁻⁴ = 0.02। देखो क्या आ रहा है, ये कैंसिल आउट, यहाँ पे सर ऊपर जाएगा तो ये 10 बनाएगा। ओके तो यहाँ पे सर 5, तो 1/10, तो मतलब 0.1 एम्पियर जो है वो गैल्वेनोमीटर की करंट है। आपको शंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था, फाइंड आउट शंट रेजिस्टेंस, तो शंट है बेटे, इसका नाम है शंट। क्या नाम है? शंट। तो यहाँ पे जो ये दोनों पैरेलल में होते हैं, तो पैरेलल में क्या चीज़ बराबर होता है, वोल्टेज बराबर होता है, तो वोल्टेज बराबर कर देंगे सर, तो आई माइनस आई जी इंटू एस बराबर आई जी इंटू आर जी, शंट रेजिस्टेंस, तो शंट बराबर सर आई जी इंटू आर जी अपान आई माइनस आई जी, सब वैल्यू पता है, आई पता है, आर जी पता है, शंट निकालना था सर। आई जी की वैल्यू 0.1, आर जी की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू 1 माइनस मैक्सिमम करंट ड्रॉन करेगी, आई जी की वैल्यू कितनी है सर 0.1, तो ये वैल्यू सॉल्व कर लेंगे 0.9 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.1 × 50, या 5 लिख सकते हैं, 5 / 0.9, तो सर यहाँ पे 50 / 9 की वैल्यू क्या आती है 50/9, 9 × 5 = 45, 5.556 इज दी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपका जो सेक्शन बी होता है बेटे, टफ नहीं होता, जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले होते हैं वही अटेम्प्ट करेंगे, जो 27 सितंबर को पेपर है उसमें ऐसा नहीं कि पहले टफ क्वेश्चन ले लो, जो आसान है वो क्वेश्चन पहले करें, ज़्यादा हो तो मतलब मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन पे जाएं, list 1 list 2, वो जो 12 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, अदरवाइज अगर आप ये इस पे जाना चाहते हो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले पे जाएं, ये दोनों सेट इजी होते हैं, ऐसा टफ सेट नहीं होता बेटे। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आई, जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।